दिस इज़ जायद फरूख मलिक फ्रॉम बोल न्यूज़। पहले भी इस तरह की पिच हुई थी पाकिस्तान को, आपको पता है एक रेटिंग पॉइंट कम हुआ था, फिर उसी तरह की पिचेज हैं, रिकॉर्ड भी इतने सालों के बाद 4 सेंचुरीज का 500 क्या कहेंगे, पिच का मसला था, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, या आप समझते हैं कि इंग्लैंड आउट क्लास खेला? आई थिंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक तीनों चीज़ें थी, इंग्लैंड बहुत अच्छा खेला और हमने जो हमारे प्लान्स थे उसके मुताबिक हमने बॉलिंग नहीं की, और तीसरा ये है कि पिच भी जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं थी, बॉलर्स को अगर आप देखें कोई इतना ज़्यादा स्विंग नहीं, इतना ज़्यादा टर्न नहीं था, तो आई थिंक ये तीनों फैक्टर हैं। सकलेन, इस तरह के जो टेस्ट मैचेस होते हैं, ज़ाहिर है हमारे यहाँ क्राउड जो है वो बड़ी मुश्किल से लंबे एक प्रोसेस से गुजर के ग्राउंड में आता है, फिर जब टीम नीचे लगी हो 500 रन आपके खिलाफ एक दिन में बन जाए, तो ये टेस्ट क्रिकेट वैसे ही दुनिया में अब कहते हैं कि जी जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है T20 फॉर्मेट है, तो इस तरह की पिचेस से आप समझते हैं, क्योंकि आपका भी बड़ा टेस्ट मैचेस में नाम रहा है, तो लोगों को फिर थोड़ा बददिल नहीं हो जाएंगे कि टेस्ट क्रिकेट में आए भी और इस तरह की क्रिकेट जब देखने को मिले, तो आप क्या PCB को सजेस्ट करेंगे पिचेस के? देखिए, आज का दिन तो बड़ा एक्साइटिंग रहा है इंग्लैंड के एतबार से, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया, जिस तरीके से इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली है बहुत एक्साइटिंग है ये क्रिकेट। हमारे हक में कुछ इतना अच्छा नहीं गया दिन, तो बहरहाल हमारी जो पिच थी, जो आप पिच के ऊपर बात कर रहे हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी हमारी पिच ऐसी ही रही, पिछला टेस्ट में जो हम लोग खेले थे प्रॉब्ली January-February में, तो आई थिंक थोड़ी सी स्पोर्टिव होनी चाहिए थी। सकलेन, सकलेन भाई, द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ पाकिस्तान बॉलिंग अटैक टुडे वाज ओनली 13 टेस्ट्स, तो आप ये बताइए कि वाज दैट अ टेक्टिकल एरर आपकी तरफ से इन टर्म्स ऑफ रीडिंग द पिच और इन टर्म्स ऑफ गोइंग ऑन विद सच एन इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक? देखें, यही हमारे बेस्ट अवेलेबल बॉलर्स थे, शाहीन बेचारा इंजर्ड था, और उसके बाद आप देखें नसीम पिछली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी रही उसकी, इवन श्रीलंका के ख़िलाफ़ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, एक नया लड़का मोहम्मद अली जिसने अभी डोमेस्टिक में टॉप परफॉर्मर रहा वो था, हारिस रऊफ जो है वो नॉक कर रहा था, ऑब्वियसली डिफरेंट फॉर्मेट है, थोड़ा टाइम लगता है, तो आई थिंक बेस्ट अवेलेबल जो हमारे थे हमने उन्हीं को ही पिक करना था। सकलेन मोहिशा, ये देखें, हमने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं कि हम फाइनल खेलें, और साथ ही हम ऐसी पिचेस बना रहे हैं जिस पिच पे डिसीजन का होना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है। ये जो आज का दिन था और इसी तरह पाकिस्तान भी थोड़ा बहुत मरहला खेला, तो ये मरहला पहली इनिंग भी ख़त्म नहीं होनी, तो वो हमें एक एडवांटेज जो होम सीरीज़ का था, हमने 5 टेस्ट यहाँ पर खेलने हैं, न्यूजीलैंड भी आना है, और पॉइंट्स अगर अच्छे मिल जाते हैं, तो ये पिच जो क्यूरेटर है ये बनाते हुए आपसे कंसल्ट नहीं करता? देखिए, आज तो ये पहला टेस्ट मैच का पहला दिन है और हम लोग बहुत ही आगे की बातें कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट विद द पैसेज ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर्स भी आती हैं, डिफरेंट जो है पिच का बिहेवियर भी चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक पहला दिन है। आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू इंग्लैंड, आज बहुत अच्छा वो खेले हैं, बट आई थिंक ये टेस्ट मैच बड़ा एक्साइटिंग रहेगा। सेकेंड भी सिलेक्शन पे किधर है, अच्छा सिलेक्शन पे एक क्वेश्चन था कि लेग स्पिनर्स में अब्रार जो है वो लीडिंग विकेट टेकर था कायद अजम ट्रॉफी में, जायद महमूद उसी साइड में था लेकिन अब्रार लीडिंग था, और उसकी वो यंगर भी है, एक्सपेक्टेड था कि वो खेलेगा, तो वो उसमें क्या डिसीजन था कि आपने जायद को क्यों प्रेफर किया, और दूसरा ऑलराउंडर्स का जो ना होना फ़हीम या नवाज का, मैं उस पर भी आपकी थिंकिंग मैं समझना चाह रहा था। देखो, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑब्वियसली आपने जो अब्रार का सवाल किया, बहुत सोचा हमने इसके ऊपर, पिछले 5 या 6 दिन का हमारा कैंप था, दोनों को हम लोग बहुत क्लोजली वॉच भी करते रहे, दोनों गेंद अच्छे कर रहे थे नेट में, बट आई थिंक हम लोग एक जो चीज़ है वो हम लोग जो चाह रहे हैं कि हम लोग जस्टिस करें, एक शख्स पिछले 1 साल से टीम के साथ है, उस माहौल के अंदर है, जाहिद की बात कर रहा हूँ मैं, और उसको जो है वो बड़ी दफ़ा क्लोज आया और अपॉर्चुनिटी उसकी नहीं बन पाई। अब्रार डोमेस्टिक से आ रहा है, उसने परफॉर्मेंस दिया, जाहिद 1 साल से
इस माहौल के अंदर, इस एनवायरनमेंट के अंदर है और दोनों अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो अगर जस्टिस की बात की जाए, हम लोग कोशिश करते हैं, कैप्टन है, मैं खुद हूँ, हम चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए, ये नहीं कि लाइन तोड़ के फास्ट ट्रैक बिठा के किसी को लाया जाए। वो ग्रूम कर रहा था, ग्रूम कर यानी उधर एक साल से अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। दोनों की बॉलिंग अच्छी थी, उसकी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस थी, ये इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में एक साल से था, अनफॉर्चुनेटली डोमेस्टिक इतना वो नहीं खेला, बट दोनों की जो कैम्प में थी परफॉर्मेंसेस, यानी जो जिस तरह की गेंद हमें चाहिए थी वो कर रहे थे, तो जाहिर है वो पहले से वेटिंग लिस्ट में था, तो हमने कहा कि इंसाफ किया जाए। देखें नवाज़ का जो है वो क्योंकि एक लेग स्पिनर हम लोग लेके जा रहे थे, हमने क्योंकि तीन फास्ट बॉलर जेन्युइन तीन फास्ट बॉलर जो है हमने हमारी स्ट्रेटजी में थे कि हम उसको लेके जाएं, दो तो हारिस और नसीम थे और एक हमें चाहिए था जो कि लंबे स्पेल कर सके, और ये लड़का मोहम्मद अली डोमेस्टिक में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और लंबे स्पेल करके आया हुआ था, और ये जो हमारे दो फास्ट बॉलर्स हैं ये विकेट टेकिंग बॉलर तो हैं बट क्योंकि बड़े अरसे से T20 खेलते आ रहे थे, इनके वर्कलोड हमने बड़ी मुश्किल से 6 दिनों के अंदर कोशिश की कि इनको तैयार कर लिया जाए ताकि ये टेस्ट मैच में अंदर चले जाएं, तो इस वजह से अगर हमने ये भी सोचा कि यार 6 दिन के अंदर T20 फॉर्मेट जो खेलते आ रहे हैं 6 दिन के अंदर इनको टेस्ट के अंदर लेके जाना है, तो किस तरीके से इनको ऐसा सपोर्ट किया जाए, ऐसा बॉलर दिया जाए जो इनको भी सपोर्ट कर सके, वो मोहम्मद अली नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से हमें उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ी, और उसने नेट में भी बड़ा इम्प्रेस किया शॉन टेट को भी, कैप्टन को भी, और इवन हमारे जो बैट्समैन थे वो भी ये कह रहे थे कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बॉलिंग कर रहा है, तो आई थिंक बहुत सारे राय जो थी वो उसकी तरफ थी, जिसकी वजह से हमने उसको मोहम्मद अली को लिया। सकलेन, हमने देखा कि जिस तरह का बेंचमार्क आज इंग्लैंड के बैटर्स ने सेट किया है और जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने 506 रन करके, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे बैटर्स भी ये इस एवरेज को पकड़ पाएंगे और इतना टाइम है हमारे पास कि हम कोई अपने फेवरेबल रिजल्ट ले सकें? देखिए मैंने जैसे पहले कहा ना, ये बहुत एक्साइटिंग टेस्ट मैच मुझे लग रहा है कि होगा, अल्लाह करे ये पाकिस्तान की फेवर में जाए, जिस तरह उन्होंने गेम खेली है वो अपना एक अंदाज अपनाए हुए और वो अपने अंदाज से खेल लें, आई थिंक इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की होगी और की है डेफिनेटली, जो मैंने सुना भी, और वो पिछले आई थिंक प्रॉब्ली 2-3 सीरीज से जब से ब्रेंडन मैकलम ने टेक ओवर किया है, तो वो पिछले उतने 3-4 सीरीज जो भी जितनी भी खेला है वो उधर से जो है उसको लेके चल रहा है एक अंदाज से। हमारी बहुत ज़्यादा शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट हुई, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद हमारा जो है वो T20 ही चलता रहा, तो वो उनका अंदाज है और उन्होंने अपने अंदाज से क्रिकेट खेली, आज का दिन उन्होंने डोमिनेट किया है, मुबारकबाद दूंगा उनको, बट हमें अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको देखना पड़ेगा, जिस स्ट्रेंथ से हम खेलते हैं हम अपनी ही स्ट्रेंथ पर चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सकलेन भाई, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम ग्रासरूट्स क्रिकेट। मेरा सवाल आपसे टीम कॉम्पोजिशन के हवाले से था, वी सॉ के पाकिस्तान वेंट इन विद 3 फास्ट बॉलर्स, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर्स, 1 लेग स्पिनर, एंड देन आपने 2 ऑलराउंडर्स खिलाए, साउथ शकील को भी मैं सोच रहा हूँ आपने ऑलराउंडर के ही तहत खिलाया होगा जस्ट टू गेट अ फ्यू ओवर्स फ्रॉम साउथ, एंड देन सलमान अली आगा को भी थोड़ी ऑफ स्पिन से, तो क्या सोच थी इस टीम कॉम्पोजिशन के पीछे, क्यों बिकॉज बैट तो पाकिस्तान काफ़ी डीप करता है मगर फिर टेल थोड़ी सी लंबी है भी विद 3 टेल एंडर्स, तो इसके पीछे जो रैशनल था वो ज़रा बता दें प्लीज़। देखिए आज जो मैच ख़त्म हुआ है ना वो तकरीबन 20-25 मिनट पहले ख़त्म हो गया, बैड लाइट शुरू हो गई थी आई थिंक प्रॉब्ली 4:05-8:10 पे, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने वैसे जो 3 फास्ट बॉलर और एक जेन्युइन लेग स्पिनर ये 4 को हमने रखा था, ऑलराउंडर आगा को लिया हुआ और उसको भी हमारा जो प्लान था जो स्ट्रेटजी थी आई डोंट वांट टू मेंशन पब्लिकली, तो वो था साउथ का, हमने कभी अगर बहुत ऐसा हुआ तो शायद हम उसको ट्राई करेंगे, बट उसको ऑलराउंडर की ना हमारी सोच है ना उसको हमने ऑलराउंडर का उसके ऊपर बर्डन डाला हुआ है, आ जाए कर जाए अच्छी बात है बट मेनली उसको एज ए बैट्समैन ही है। आगा के ऊपर भी हमने जो है उसको आप यू कैन से कि 80% उसके ऊपर बैटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
20% जो है उसके ऊपर बॉलिंग का है आप कह सकते हैं। ऑलराउंडर जो होते हैं जो 50-50 वाले होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमने उसको इस कैटेगरी में रखा। तो चार हमारे पास जेन्युइन बॉलर थे जिनको हम लोग समझ रहे थे कि ये जो है पूरे गेम को कंट्रोल करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक 4 बजे ही बैड लाइट और ये सारी चीज़ें थी, अगर इसमें ओवर्स कैलकुलेट करें सारा कुछ, तो आई एम श्योर ये चार अपनी रोल बड़े अच्छे तरीके से दे सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। बाकी जो दो हैं वो अगर गॉड फॉरबिड जैसे आज का दिन हमारा अच्छा दिन नहीं था तो इसीलिए हमने उनको भी यूटिलाइज़ किया। सकलैन इंग्लिश जो बैट्समैन थे उन्होंने हमारे बॉलर्स का तकरीबन सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया, बीमारी के बावजूद उन्होंने इतने बड़े रन कर लिए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप वर्ल्ड क्लास खुद भी बॉलर हैं, आप दुनिया में काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, आपको इन अपने बॉलर्स में कोई अपने जैसा नज़र आता है बॉलर कि जो इस स्टैंडर्ड पे जाएगा फ्यूचर में? यार ये तो मेरा ख्याल है टेस्ट मैच से रिलेटेड ही सवाल है तो बेहतर, हम तो ख़त्म हो चुके हैं, हमारा दौर चला गया और ये बेस्ट पाकिस्तान के अवेलेबल हैं, अल्लाह ताला इनको जो है बहुत इज्जत दें, पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।